नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, दो दिनों की छुट्टी के बाद अपना शेयर बाज़ार फिर से कल मंडे के दिन खुलने को तैयार है और हम लोग भी तैयार हैं एज ए ऑप्शन बायर। कल से फिर हम लोगों का नया सप्ताह जो है शुरू होने वाला है। उम्मीद है ये जो सप्ताह है ये भी ज़बरदस्त प्रॉफिटेबल सप्ताह रहेगा। पिछला सप्ताह हम लोगों का बहुत ज़बरदस्त था, हर दिन हम लोग प्रॉफिट बुक किए निफ्टी, बैंक निफ्टी में। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूवर हैं तो आपको पता होगा, अगर आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हैं, मेंबर हैं, तो ऑलरेडी पता होगा। देखिए, फ्री टेलीग्राम है, कोई पेड नहीं है, बिल्कुल फ्री है। आप अगर ऑप्शंस ट्रेडिंग को अच्छे से समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेड करते हैं तभी ज्वाइन करें। देखिए, ऑब्जर्व करिए, पेपर ट्रेड करिए। तो मंडे के लिए जो भी लेवल्स है हम लोग नोट करेंगे और अच्छे से इस वीडियो को ऑब्जर्व करेंगे, 5 पॉइंट क्या है उसको भी समझेंगे, ठीक है? तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि वो 5 पॉइंट्स क्या है जिसके बेसिस पर हम लोग लेवल्स को अच्छे से समझेंगे, नोट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका ग्लोबल मार्केट। दोस्तों, अब ग्लोबल मार्केट अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड लेवल के मार्केट में आपको सभी इंडेक्स, जो भी इंडेक्स हैं, वो आपको रेड में दिख रहा होगा। आप पहले अमेरिकन मार्केट को देखें, डाउ जोन्स लगभग 220 पॉइंट का डाउनसाइड दिखाया है फ्राइडे के दिन। आप S&P को देखें, वो भी 33 पॉइंट डाउन है। आप नेस्टेक को देखें तो 138-40 पॉइंट का डाउनसाइड है, यानी कि बड़ी गिरावट है अमेरिकन मार्केट में। उसके बाद आप जो है यूरोपियन मार्केट को देखें तो वहाँ भी जितने सारे इंडेक्सेस हैं, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, सब का सब क्या है, रेड में क्लोज दिया है। यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट में फ्राइडे के दिन जो है ग्लोबली लेवल पर मंदी का मूड माहौल दिखा है। अब इस मूड माहौल में हमारा जो है मंडे के दिन का मार्केट क्या रहेगा उसको भी हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग देखते हैं इस दूसरा पॉइंट को। दूसरा जो पॉइंट है SGX निफ्टी, ठीक है? अभी दूसरा पॉइंट SGX निफ्टी क्यों? क्योंकि आपको पता है कि SGX निफ्टी जो है सिंगापुर में ट्रेड करने वाला एक निफ्टी है। अगर आपको नहीं पता तो आप ये वाला वीडियो को जरूर देख लीजिए, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा FIGI की असली सच्चाई और SGX का असली मकसद, ठीक है? तो SGX जो दूसरा पॉइंट है, इसमें आप देखोगे तो अभी भी आपको लगभग 15 पॉइंट जो है आपको डाउन दिखा रहा है रेड में। हालांकि कल सुबह 7 बजे ये ओपन होता है, तो किस तरह से ओपन होगा उसके ऊपर भी हम लोग ट्रैक करेंगे, बट ज़्यादा चांसेस है कि SGX निफ्टी जब ओपन होगा तो आपको रेड में ही दिखेगा, ठीक है? अब चलिए हम तीसरा पॉइंट समझते हैं। तीसरा पॉइंट है आपको इंडिया वीक्स। अगर इंडिया वीक्स का जो आप देखेंगे चार्ट के ऊपर, तो इंडिया वीक्स भी अभी भी लोअर साइड पर है और लोअर साइड ये काफ़ी दिनों से है जो हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, हम छोटे बायर्स के लिए भी, ठीक है? चौथा पॉइंट हम अगर देखेंगे FIs और DIs का एक्टिविटी फ्राइडे के दिन हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में, कितना बेचा कितना खरीदा, तो ये बहुत अहम डेटा हो जाता है। देखो यहाँ पे अगर आप FIs का डेटा देखोगे तो FIs आपको जो है फ्राइडे के दिन लगभग 350 करोड़ का कैश मार्केट में सेलिंग किया है। आप देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे देखोगे या फिर खुद भी जाके आप गूगल पर चेक कर सकते हो, तो वहाँ पे आप देखोगे FIs 350 करोड़ का जो है ओवरऑल जो है वो सेलिंग किया है, ठीक है? और अगर DIs की बात करो तो DIs भी लगभग 650 करोड़ का ओवरऑल जो है उन्होंने सेल दिखाया है। अब ये जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है हम छोटे बायर्स के लिए। उधर अमेरिकन मार्केट डाउन है, SGX निफ्टी अभी भी लोअर साइड पर है, और उसके बाद इंडिया विक्स भी लोअर साइड पर है, और हमारा FIs DIs का भी मूड माहौल फ्राइडे के दिन क्या था, मंदी करने का था, बेचने का था। तो अब मंडे के दिन के लिए इन दोनों का क्या मूड माहौल रहेगा इसको भी हम लोग समझेंगे चार्ट के ऊपर, ठीक है? तो अब चलते हैं ऑप्शन चेन को समझते हैं, और ये हमारा 5वां पॉइंट है। देखो ऑप्शन चेन का स्क्रीनशॉट पर आप जरा ध्यान से गौर करना, आपको अप साइड में रेजिस्टेंस यानी कॉल के साइड में रेजिस्टेंस हम 44,000 पर देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगभग 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, और ये 40 लाख जो ओपन इंटरेस्ट सेलर के द्वारा बिल्ड किया गया है, ये नहीं चाहेंगे 44,000 के ऊपर मार्केट जाए, ठीक है? वहीं अगर सपोर्ट की बात करें पुट के साइड, तो आप देखोगे 43,500 अभी भी एक मेजर सपोर्ट है। तो हमें कहीं ना कहीं ऑप्शन चेन के अनुसार हमें ये लग रहा है कि 43,500 जो है ये एक सपोर्ट करेगा, यहाँ पर आएगा तो बायर्स एक्टिव होंगे। लेकिन अगर चार्ट के ऊपर चल के हम अपने लेवल्स को फाइंड करते हैं और इन सब चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, तो फिर हमें अच्छे से एक लेवल्स मिलेगा जिसे हम लोग नोट करेंगे और कल के मार्केट में अप्लाई करेंगे, ठीक है? हमें क्लियर बताया कि मार्केट एक बेरिश ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होगा, तो हमारे पास ऊपर का जो लेवल है ये और ये, यानी कि 43,850 एंड 44,000 का, ये दोनों लेवल मुझे कोई काम का नहीं लगता ऐसे में, क्योंकि हम रिटेल ट्रेडर्स हैं और हम मॉर्निंग के पहले घंटे में अपने प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। पूरे दिन मार्केट में क्या हो उससे कोई मतलब नहीं। तो ऊपर के साइड में हमें ये लेवल्स को कोई ज़रूरत नहीं है समझने का, जानने का। क्यों? क्योंकि हम पहले घंटे में ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है?
तो हम पहले घंटे में ट्रेड करने वाले हैं और वो पहला घंटा में मार्केट गैप डाउन होगा, क्लियर पता है। तो नीचे में हमारे पास दो लेवल है, पहला आपको ये जो कि है 43,475 से लेके 525 का, और दूसरा लेवल है ये जो है आपको 43,350 से लेके 43,300 तक, ठीक है। ये दो लेवल्स हमारे पास है अभी मार्केट में, क्लियर है। अभी देखो कल मार्केट गैप डाउन होगा, मान लो इसी रेंज में ओपन हो, 43,600 के आसपास क्लोजिंग है, 100-125 पॉइंट अगर होता है तो हमारे पास ये वाला जो लेवल है पहला सपोर्ट का, इस पर मार्केट कहीं ना कहीं ओपन होता है तो ये लेवल क्या हो गया, ये लेवल हमारे पास फॉल्स हो गया। मार्केट यहाँ पर अगर ओपन होगा तो मार्केट क्या होगा, पहले टिक पर जो भी हो हम उसमें नहीं पड़ेंगे, ठीक है। हम मार्केट को पहले 10 मिनट 5 मिनट 3 मिनट जो भी होता है स्टेबल होने देंगे कि किस तरह से मूवमेंट का सोच रहा है मार्केट। मार्केट अगर इसको ब्रेक करके नीचे आ गया तो क्लियर कॉन्सेप्ट हमारे पास ये दूसरा लेवल हो जाएगा जो कि है 43,375 से लेके 43,300 तक, यानी 43,375 से 43,300 का जो लेवल है ना, ये वाला लेवल क्या होगा, ये परफेक्ट बाय जोन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ना FIs या DIs ये दोनों क्या करेंगे, इंडेक्स फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में ये क्या करेंगे, बाय करेंगे। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो मार्केट इतने दूर से यहाँ पे जब मार्केट आएगा 350 पॉइंट नीचे आएगा तो FIs DIs बाय करेंगे, और इनका जो स्ट्रेटजी होती है ना ये टुकड़ों में बाय करते हैं। कहने का क्या मतलब है टुकड़ों में, कि अगर यहाँ पे ओपन होगा तो यहाँ पे भी ये कुछ बाय करेंगे FIs DIs, और मार्केट अगर थोड़ा नीचे गिरता है तो और भी ये वहाँ पे ऐड करेंगे, और इसको हम लोग टुकड़ों में बाय करना कहते हैं। लेकिन हम रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, एक बार दो या चार लॉट खरीदते हैं, अपना छोटा सा टारगेट सेट करके रखते हैं, प्रॉफिट बुक हुआ निकल जाते हैं, क्लियर है। तो हमारा क्या लॉजिक रहेगा, मार्केट अगर इस रेंज में ओपन होता है हम लोग बाय नहीं करेंगे, हम लोग पहले 5 मिनट 10 मिनट देखेंगे मार्केट क्या कर रहा है। अगर मार्केट इस जगह पर सपोर्ट लेके ऊपर भाग गया तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, 43,850 पर, यहाँ पे आएगा तो हमें पुट में बाय करना है और मेरा एट द मनी रहेगा, ठीक है। एट द मनी का मतलब 43,800 का पुट रहेगा। अब यहाँ से मेरा पहला टारगेट आपको 43,625 का लेंगे, उसके बाद 43,525 का टारगेट लेंगे, ठीक है। कब, जब मार्केट यहाँ पे ओपन होगा और इस जगह को रेजिस्ट सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर जाएगा तब हमारे पास पुट लेने का ऑप्शंस रहेगा। नहीं तो अगर मान लो यहाँ पे ओपन होता है यहाँ पर इसको तुरंत ब्रेक दे देता है तब पुट नहीं लेंगे, तब हमारे पास नीचे एक स्टेबल होने देना है और वो हमारे पास 43,375 से लेके 43,300 का, ये लेवल्स एकदम क्रिस्टल क्लियर लेवल है। यहाँ पर आएगा तो FIs DIs सभी बाय करेंगे, यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम देखने को मिलेगा, और यहाँ पर हम भी एक एट द मनी यानी कि 43,300 का कॉल बाय करेंगे। टारगेट हमारा क्लियर रहेगा 43,450 का पहला और छोटा टारगेट लेंगे, ठीक है, 43,525 का एक मीडियम सा टारगेट एंड 43,625 आज का और कल, मतलब कल का पूरा अच्छा सा टारगेट रहेगा। तो मंडे के दिन ये हमारी स्ट्रेटजी रहने वाला है। कैसा लगा आपको स्ट्रेटजी, अच्छा लगा बुरा लगा कमेंट कर दीजिएगा। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि वहाँ पर आपको अपडेट्स मिलता रहता है। और हाँ दोस्तों, अगर निफ्टी फिर निफ्टी का प्रिडिक्शंस देखना है तो डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। मिलते हैं कल वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।